वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दृष्टि पीसीएस। देखिए यूपी टीईटी में बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट हो रहे हैं, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, तो उन कमेंट्स का मैं सिंगल सिंगल जवाब न देकर एक पूरा वीडियो में बनाकर आपके सारे जितने भी कमेंट्स हैं उनका आंसर देना चाहती हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए यूपी टीईटी के लिए सबसे ज्यादा सवाल जवाब जो पूछे जा रहे हैं वो है संशोधित आंसर की, कितने नंबर बढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है कि ओएमआर शीट भर दी गई है गलत। देखिए जब एग्जाम शुरू हो रहा था उसके पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ भी करना, चाहे एक दो मार्क्स कम लाना, बट ओएमआर शीट अच्छे से फिल करना, वाइटनर का यूज नहीं करनी है, और भी बहुत सारे ऐसे जो प्रिकॉशंस मैंने बताए थे आप लोगों ने नहीं लिए, तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। क्योंकि जब टीईटी का एग्जाम शुरू हो रहा था उसके पहले ही यूपी गवर्नमेंट की तरफ, सॉरी आयोग की तरफ से ये विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी जिसमें बताया गया था कि आपको किन किन सावधानियों को बरतना है और वाइटनर का यूज नहीं करना है, ओएमआर शीट ढंग से भरनी है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब बहुत सारे स्टूडेंट्स को देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको संशोधित आंसर की कब आएगी, तो देखिए ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें निकला था यदि 30 नवंबर को आपकी संशोधित आंसर की आएगी, और अगर 30 नवंबर को नहीं आती है तो उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो 30 नवंबर को आपकी संशोधित आंसर की आएगी। जैसा कि पहले भी आयोग ने बता दिया था कि 8 दिसंबर को आप लोगों का रिजल्ट आएगा। अगर 30 नवंबर तक संशोधित उत्तर की आंसर की आ जाती है तो 8 दिसंबर तक फाइनली आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एक सवाल का जवाब तो आपको मिल गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कितने नंबर बढ़ सकते हैं और ओएमआर शीट में गलत भरती। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि उन्होंने वाइटनर का यूज किया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। नहीं देखिए एसएच तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आपकी कॉपी तो जचेगी ही जचेगी, बट वाइटनर के यूज आपने जिस क्वेश्चन में किया है वो क्वेश्चन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन आपकी कॉपी जांच दी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का कि मैंने एक क्वेश्चन में दो गोले भर दिए हैं, तो एक क्वेश्चन में दो गोले भर दिए इससे आपकी पूरी शीट रिजेक्ट नहीं होगी, आपकी पूरी आंसर जो कॉपी है वो रिजेक्ट नहीं होगी, बट वो रिजेक्ट हो जाएगा जिस क्वेश्चन में आपने गोले भर दिए हैं। नेक्स्ट है कि कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि मेरा यूपी टीईटी क्लियर नहीं हो पा रहा है, मेरे एकेडमिक मार्क्स कम है, तो क्या मुझे सीटेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, आपको सीटेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जरूरी नहीं आप यूपी टेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, तो आप यूपी सीटेट में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है 10 से 12 दिन का, तो आप लोग जितना अच्छा कर सकते हैं, जितनी पढ़ाई कर सकते हैं कर लीजिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, शुरुआत कर दीजिए, सीटेट की तैयारी कर दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपका यूपी टेट में सिलेक्शन हो जाता है तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, 110 से 115 मार्क्स जनरल कैटेगरी की मुझे लगता है जाना चाहिए। तो देखिए आप लोग तैयारी करते रहिए, और सीट अगर आपको नहीं लग रहा है कि बिल्कुल भी आप निराश हैं तो आप लोग बिल्कुल सीटेट की तैयारी कीजिए, क्योंकि यूपी टेट के बाद डायरेक्ट आप लोगों को टीचर की ज्वाइनिंग मिलने वाली है, तो बेवजह मतलब मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको सीटेट में भी अच्छा प्रदर्शन करना है यूपी टेट के बाद, तो भी वो आप कर सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। मतलब आपको अगर लग रहा है कि नहीं ही बिल्कुल हो रहा है तो आप बिल्कुल सीटेट की तैयारी कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है बहुत ही एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस है, वो ये है कि एक बंदा जो है वो अपना साइन करना भूल गया है ओएमआर शीट पर। तो देखिए इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर ओएमआर शीट पर अगर आप साइन करना भूल गए हैं, ये सारी जिम्मेदारी होगी जो परीक्षा कक्ष निरीक्षक है उनकी। दूसरा ये है कि आप अपना नेम लिखना भूल गए, तो नेम लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कहाँ होगी, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, या अपना रोल नंबर लिखना भूल गए हैं, या आपने टेस्ट सीरीज बुकलेट लिखना भूल गए हैं, ये मेजर पार्ट है। अगर ये आप भूल गए हैं तो आप लोगों की कॉपी चेक नहीं होगी। ओके, तो ध्यान रखिएगा, आपको इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपने क्या क्या छोड़ा है और क्या क्या आपने लिखा है। तो किसी भी चीज से कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होगी जितनी बड़ी प्रॉब्लम रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और टेस्ट बुक लिस्ट सीरीज लिखने से होगी। ओके,
अगर ये छूट गए हैं तो आप लोगों का पूरी की पूरी कॉपी चेक नहीं होगी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कितने नंबर बढ़ सकते हैं और किस किस को मार्क्स मिलेंगे और किस किस को नहीं मिलेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन बार बार जनरेट हो रहा है, वो ये है कि जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन जनरेट किया है, ऑब्जेक्शन किया है, सिर्फ उनके ही मार्क्स बढ़ेंगे या सभी के मार्क्स बढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मार्क्स तो सभी के बढ़ेंगे, चाहे आपने ऑब्जेक्शन किया हो या ना किया हो। नेक्स्ट इसमें किसके कितने मार्क्स बढ़ेंगे, तो देखिए सबको उन अगर आयोग को लगता है कि कुछ 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हटा देना चाहिए तो उनको हटा दिया जाएगा, उसमें सबको इक्वल मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जिसने सही टिक किया है सिर्फ उसी को मार्क्स दिए जाएंगे, तो उसको सबको इक्वल मार्क्स दिए जाएंगे। अब जैसे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की कि एक क्वेश्चन में दो आंसर सही हैं, तो दो आंसर सही है तो आयोग अगर दोनों को सही मान लेता है तो वो मार्क्स सिर्फ उनको दिए जाएंगे जो दो में से एक को लगाकर आया हो। अगर उन दो के अलावा किसी और को लगाकर आया हो तो उनको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस। इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चंस जनरेट होते हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूंगी कि अगर आपसे गलती हो गई है तो आपको कहाँ पर संपर्क करना है और जो ईमेल आईडी है उसमें कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, ये सब जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। सो टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।